मॉर्निंग बोल एक्सपीरियंस स्टूडेंट स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स का सब्जेक्ट हमारा रहेगा साइंस, जिसमें क्या है हम रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट से शुरू किया तो आज हमारा पार्ट है छठा, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, कि हमारे चारों ओर के मतलब क्या क्या परिवर्तन होते हैं रिविजन करेंगे, जिसमें क्या है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम थोड़ा वो देख लेते हैं पार्ट में कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन की हमारे जो मतलब वातावरण हमारे चारों जो भी परिवर्तन है, किसी वस्तु में परिवर्तन है तो वो क्या है सारा हमारे मतलब के चारों का वातावरण हमारे चारों का परिवर्तन की हम कहाँ कहाँ देखते हैं, ये कहाँ कैसा कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब बहुत से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ परिवर्तन अतिक्रमीय होते हैं, कुछ अनुक्रमीय अनुक्रमीय होते हैं, उत्क्रमीय जिसे मतलब के परिवर्तन होने के बाद वापस उसी अवस्था में लाया जा सके, तो वो कौन से हैं उत्क्रमीय परिवर्तन। अनुक्रमीय परिवर्तन कौन से होते हैं कि जिसे मतलब परिवर्तन करने के बाद उसे वैसी अवस्था में न लाया जाए। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे उत्क्रमणीय बर्फ मान लो उत्क्रमणीय कोई भी एग्जाम्पल देख लो कि जैसे आटे की सॉरी आम का पकना है, अब आम का पकना है तो वह क्या है इसे उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता। मान लो आम पक गया, अब उसको वापस तो नहीं कच्चा कर सकते, तो वो क्या है उत्क्रमणीय नहीं किए जा सकते। ठीक है, फिर जैसे मान लो अपने बर्फ को पिघलाते हैं, बर्फ को पिघलाते हैं और उसे हम क्या जमा भी सकते हैं दोबारा, मतलब बर्फ से पानी बनाते हैं, पानी से बर्फ भी बना सकते हैं, तो वो क्या है उत्क्रमित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम प्रश्न नंबर एक देखते हैं कि ऐसे दो परिवर्तन के नाम लिखिए जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। उत्क्रमित नहीं किए जा सकते कि मतलब जो परिवर्तन होगा हम उसे वापस उस परिवर्तन में नहीं ला सकते। तो कौन होंगे, एक तो आम का पकना, दूसरा दूध का दही में जमना। आम का पकना वापस तो नहीं भी आम को बचा कर सकते, तो ये क्या है कि उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फिर है दूध का दही में जमना, अब दूध का दही में जम गया तो उसे क्या वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये क्या है उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। फिर है प्रश्न नंबर दो है वाष्पन तथा गलन को परिभाषित कीजिए। हमें क्या हमें पता है कि वाष्पन क्या होता है कि पानी का उबलकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। ये जब पानी उबलता है, पानी को अपने उबालते हैं तो वो क्या है वाष्प बन जाता है। तो पानी का उबलकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होना, ठीक है, वाष्प पानी था उबलकर क्या है वाष्प के रूप में क्या हो गया परिवर्तित हो गया, तो वो क्या कहलाता है वो वाष्पन कहलाता है। फिर उसके बाद है गलन, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसका पिघलना। अब कोई भी ठोस पदार्थ है यानी बर्फ है, बर्फ को पिघलाएंगे तो वो क्या है द्रव बन जाए, गलन अवस्था नहीं रही। तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसका पिघलना क्या कहलाता है, उसका पिघलना गलन कहलाता है। फिर उसके बाद है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तनों के पांच के जो, अब कुछ परिवर्तन क्या होते हैं प्राकृतिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होते हैं और कृत्रिम जो हम करते हैं या कोई और करता है, तो वो क्या होंगे कृत्रिम परिवर्तन। ठीक है, पांच उदाहरण कुछ है, ये अंतर मत समझ लेना, ये उदाहरण है प्राकृतिक परिवर्तन की और कृत्रिम परिवर्तन की। सबसे पहले हम प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं कि बादल होना, बादल प्राकृतिक क्या बनते हैं कुछ करते हैं। फिर उसके बाद है पौधों की लंबाई बढ़ना, पौधों की लंबाई बढ़ने की कोशिश करते हैं नहीं करते, वो अपने आप बढ़ती है तो वो क्या होगी प्राकृतिक होगी। फिर है पहाड़ों पर बर्फ पिघलना, आप अपने पहाड़ों पर जाके तो भी बर्फ पिघलाते तो वो भी क्या है प्रकृति से अपने आप पिघल जाती है। फिर उसके बाद है कली का पुष्प बदलना, पहले सबसे पहले पौधों पर मतलब पुष्प बनते हैं, सबसे पहले क्या बनती है कली बनती है, तो कली का पुष्प बदलना ये भी क्या है अपने आप होता है प्रकृति द्वारा होता है, अपने तो नहीं करते। फिर है फलों का पकना, कि फल पकते हैं वो भी क्या अपने आप पकते हैं, अपने तो ठीक है पर
प्रकृति जो है, फिर है कृत्रिम परिवर्तन। कृत्रिम परिवर्तन में क्या होगा, आटे से लोई बनाना, कि मतलब जो रोटी बनाने से वाले अपने आटे की लोई बनाते हैं, तो वो क्या है, आटे की लोई क्या है, अपने खुद बनाते हैं, तो वो कौन से होंगे, कृत्रिम परिवर्तन होंगे। उसके बाद है उबालने पर अंडे का जमना, उबालने पर अंडे का जमना, तो ये भी क्या है, कृत्रिम परिवर्तन है। फिर उसके बाद है दूध से दही बनना, दूध से दही मतलब अंडे दूध में मतलब कि जामुन वगैरह को जामुन रखते हैं, तो क्या है दूध किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद है कपड़े को गीला करना, कपड़े को क्या है अपने खुद गीला करते हैं, तो ये क्या है कृत्रिम परिवर्तन है। उसके बाद है मोमबत्ती जलाना, तो मोमबत्ती क्या है अपने खुद जलाते हैं, तो मोमबत्ती जलाना ये भी क्या है कृत्रिम परिवर्तन है। दोबारा देखो ऐसे दो परिवर्तन के नाम लिखिए जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। फिर आम का पकना और दूध का दही में जमना, ये दोनों क्या है उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, यानी जो पहले की अवस्था में थे वो उसे हम वापस नहीं कर सकते। उसके बाद है वाष्प तथा गलन को परिभाषित कीजिए, तो वाष्प क्या होगा, पानी का उबलकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होना वाष्प कहलाता है। फिर उसके बाद गलन का किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसका पिघलना गलन कहलाता है। यह प्राकृतिक कृत्रिम परिवर्तनों में पांच पांच उदाहरण देने हैं, प्राकृतिक परिवर्तन जो प्रकृति द्वारा होते हैं, दूसरे कृत्रिम परिवर्तन जो क्या है अपने खुद करते हैं। जैसे प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए बादल बनना, पौधों की लंबाई बढ़ना, पहाड़ों पर बर्फ पिघलना, कली का पुष्प बदल और फलों का पकना, ये अपने खुद तो नहीं करते, ये किसके द्वारा होते हैं, ये प्रकृति के द्वारा होते हैं। फिर है आटे कृत्रिम परिवर्तन के उदाहरण, आटे से लोई बनाना, उबालने पर अंडे का जमना, दूध का दही बनना, कपड़े को गीला करना, मोमबत्ती जलाना, तो किसके उदाहरण है, ये कृत्रिम परिवर्तन के उदाहरण है। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर चार, तीन तक हमने कर लिया था। प्रश्न नंबर चार है ठंडा करने पर कुछ वस्तुएं छोटी हो जाती हैं, इसे क्या कहते हैं। जैसे ही मतलब कोई वस्तु को ठंडा करेंगे तो वह वस्तु क्या है छोटी हो जाती है, तो क्या कहलाती है, वो संकुचन कहलाती है, यानी ठीक है। फिर है गुब्बारे में फूंक से हवा भरने पर क्या होता है, तो क्या होता है प्रसार होता है, गुब्बारे में अपनी हवा भरते तो क्या है फूल जाता है, यानी उसका उस वस्तु का क्या है प्रसार होता है, यानी वो बढ़ती है, ठीक है। दोबारा देख लो ठंडा करने पर कुछ वस्तुएं छोटी हो जाती हैं, इसे क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं, या गुब्बारे में फूंक से हवा भरने पर क्या होता है, तो इसका प्रसार होता है। तो लेसन हुआ कम्प्लीट, इसके जो मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया है वो अपनी कॉपी में नोटबुक नोट कर लेना और साथ में याद भी कर लेना।